अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना जीजी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं टिक्का मैकरोनी। टिक्का मैकरोनी में इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें मैंने टिक्का मसाला डाला है। आप देखिएगा, एक अलग से फ्लेवर आपको मिलेगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रहिएगा। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग जो डाउटफुल होते हैं कि इसके अंदर जो है हमारी मैकरोनी जो है वो चिपक जाती है, वो समझ नहीं आता कि हम इसको किस तरह से अपना खिला खिला सा रखें, चिकन में से स्मेल क्यों आती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन मैकरोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। ये मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन 1 टेबल स्पून। इसके साथ मैं डालूँगी दही 2 टेबल स्पून। ये इसको जूसी भी करेगा और इसको गलाने में भी बहुत अच्छी तरह से मदद करेगा। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला। इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा टिक्के मसाले का। हाफ टी स्पून जो है ये लहसुन पाउडर है। अगर आप फ्रेश लहसुन डालते हैं तो 1 टी स्पून डालिएगा। मैं हाफ टी स्पून इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रांग होता है स्मेल में भी और टेस्ट में भी। और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले और इसको हम कब तक रखेंगे, जब तक हम अपनी जो है बाकी चीज़ें ना तैयार कर लें। तो ये 15-20 मिनट हमें लगेंगे। 15-20 मिनट की मैरिनेशन बहुत है इसमें, इससे चिकन जो है हमारी सॉफ्ट भी हो जाएगी और जब हम इसको पकाएंगे तो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी। चले देखें, अच्छी तरह से मिक्स हो गई। अच्छा, मैकरोनी बॉईल करने के लिए यहाँ हमने पानी रखा है जो कि बॉईल हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें ऑयल, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी मैकरोनी। ये मैं 2 कप इसमें डालूंगी। 2 कप के लिए जो हमने चिकन लिया है वो सही है। चलिए, ये हमने डाल दिया अपना दूसरा कप। तो इसको बॉईल होने में कम से कम 6-7 मिनट लगेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आए तो जो पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि इसको कितनी देर तक बॉईल करना है। अच्छा देखें, तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। ये बहुत अच्छी से गल गई। हमने बहुत ज़्यादा इसको हलवा नहीं करना है, ऐसे खड़ा खड़ा सा छोड़ना है। ये गल चुकी है तो चले हम इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लेते हैं। पानी ड्रेन जैसे ही करें उसके साथ आपने क्या करना है, थोड़ा सा ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। गर्म गर्म होती हैं तो फिर चिपकने का चांस रहता है। चलो थोड़ा सा हम इस पर ऑयल डाल देते हैं 1 टेबल स्पून जितना और इसको ऐसे करके मिक्स कर देते हैं। देखिए अभी भी गर्म है, धुएं निकल रहे हैं लेकिन अभी चिपकेंगी नहीं क्योंकि हमने पानी भी गुजार लिया और हमने इसमें ऑयल भी लगा दिया। चलिए इसको साइड करते हैं। चले जी, हमने अपनी कढ़ाई रख दी है चिकन तैयार करने के लिए। तो यहाँ मैं कम से कम 2-3 टेबल स्पून जो है इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म हो गया तो हम इसमें डालेंगे 1 टी स्पून लहसुन चॉप कर लिया इसको मैंने। बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो गर्म ऑयल में नहीं डालना क्योंकि एकदम अगर लहसुन जल गया तो इसकी स्मेल रह जाएगी, तो कच्चे लहसुन की स्मेल अच्छी नहीं लगती है। इसको हल्के से चूल्हे पे इसको हमने गोल्डन कर लेना है। फ्लेम मेरा स्लो ही है अभी। आज बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी है मैकरोनी। हर एक को पसंद है, स्पेशली बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं। तो आज आपको होटल जैसी मिलेगी मैकरोनी। अगर आप इस रेसिपी में मेरे साथ रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपकी जो मैकरोनी है बिल्कुल होटल स्टाइल जैसी बनेगी। तो इंशाल्लाह आज के बाद आप क्या करेंगे, घर पे ही बना के खाएंगे। अब हमने जो चिकन अपनी मैरिनेट की थी, कम से कम 20 मिनट हो गए इसको। हमने इसमें डाल दी चिकन। चूल्हा थोड़ा सा मैं स्लो कर रही हूँ और अभी हम इसको ढकेंगे नहीं। जब तक जो है ये चिकन जो इसका कलर वाइट नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको नहीं ढकेंगे। इसे 3-4 मिनट हमें लग सकते हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू है टिक्के मसाले की।
बना के देखिएगा, आपको बिल्कुल एक न्यू फ्लेवर, एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा। अच्छा, मैंने ये टिक्का मसाला लगाया है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसमें टिक्का मसाला डालें, आप घर के मसालों से भी इसको बना सकते हैं। मैंने पहले स्पैगेटी बनाई है, उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और उसकी जो चिकन थी उसको मैंने घर के मसालों के साथ ही मैरिनेट किया था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया है। मैं उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा उसको अगर नहीं देखी तो। देखिए हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया, जो हमने इसमें डाला है अपना दही डाला है, लेमन डाला है, उससे जो चिकन है ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी, इसका जो फ्लेवर है इसके अंदर तक जाएगा। जिस तरह हम लोग अगर मैरिनेट करके रखते हैं तो जो भी हम मसाले डालते हैं उसका फ्लेवर अंदर तक जाता है और फिर खाने में वो बहुत मज़े की लगती है, फीकी फीकी चिकन नहीं रहती। लेकिन अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो एकदम से क्या होगा, चिकन जब एकदम से ये वाइट हो जाती है और उसमें मसाला नहीं लगा होता तो फिर थोड़ी सी फीका उसका टेस्ट रहता है, ये बहुत इसका मज़ा देगी। ये इसको ढक देते हैं ताकि स्लो बिल्कुल फ्लेम पे, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो निकल आए और उसी के साथ जो चिकन हमारी गल जाए। यहाँ 3 से 4 मिनट हो गए हैं, देखिए अच्छी तरह से ये पक गई है, रोस्ट हो गई अच्छी तरह से, अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। मैंने यहाँ पे लिए 1 टेबल स्पून जितनी ही प्याज है, बहुत कम है। इसमें इस तरह इसको मैं खोल के डाल दूँगी। चले इसको मिक्स कर लेते हैं, इसमें फ्लेम थोड़ा सा मैं मीडियम कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो है बिल्कुल स्लो पे दम पे रखा हुआ था चिकन को। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी, उसको मैंने सारी चीज़ें जो है मैंने कोशिश करके लंबाई में काटी हैं, एक ही तरह की काटी हैं, ताकि ये जो है जब पकें तो सारी एक जैसी लगें और खूबसूरत लगें। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप क्यूब्स में काटना चाहें तो आप क्यूब्स में काट सकते हैं। गाजर मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम लेती है ये पकने में, हार्ड होती है, तो इसको 2 से 3 मिनट तक हम इसमें भूनते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बहुत कम मसालों के साथ हम इसको बना रहे हैं, अब देखिएगा बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डालेंगी। अब हम डालते हैं, एक मेरे पास जो है बड़े साइज़ की शिमला मिर्ची थी, ये भी मैंने देखे लंबाई में ही काटी है, इसको भी डाल देते हैं। अब हम डालते हैं, मेरे पास स्मॉल साइज़ की इतनी बड़ी थी ये बंद गोभी, ये काट ली। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, गोभी बिल्कुल कम टाइम लेती है, इसके लिए हम इसको एंड पे डाल रहे हैं। अच्छा, मैंने इसको ऑयल में बनाया है, आप इसको बटर में भी बना सकते हैं, बटर में भी बहुत अच्छी ये टेस्टी लगती है, और आप चाहें तो इसमें ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, चैलो भी ना डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। चलें अब हम डालते हैं इसमें कुछ स्पाइसेस। मैं 1/2 टीस्पून यहाँ पे डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्ची, और 1/2 टीस्पून ही यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ। ये है 2 टेबलस्पून सोया सॉस, ये जाएगा इसमें। 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस है, ये जाएगा इसमें। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक जो है इसको भून लेते हैं, ताकि जो इसके अंदर जो हमने सॉस डाले हैं वो सारे जो मसाले एक साथ जो मिक्स हो जाएं। 1 टीस्पून जो है मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर, आप यहाँ पे इसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको और ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं। काली मिर्ची है, मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट लिया है, तो ये मैं इसमें डालूंगी, पीसी हुई नहीं डाली, ताकि हमारे जो मैक्रोनी का कलर ना ख़राब हो। चलें ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, देखें ऑयल भी इसने छोड़ दिया, फ्राई होगी अच्छी तरह से चीज़ें। अब आती है मेन इंग्रेडिएंट्स की बारी, हमारी मैक्रोनी की बारी, ये हम इसमें डालते हैं। अगर ये थोड़ी बहुत चिपक जाएँ तो कोई मसला नहीं है, आप इस पर हल्का सा ठंडा पानी डाल दें तो ये वापस सही हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। स्पाइसेस मैंने थोड़े से इसलिए ज़्यादा डाले थे क्योंकि मैक्रोनी हमारी जो है इसमें सिर्फ नमक था, इसमें और कुछ भी नहीं था, तो इसके साथ मिक्स होके ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करते हैं ताकि सब जो चीज़ों का फ्लेवर है वो हमारी मैक्रोनी में भी आए।
आपने देखा कितना इजी है इसको बनाना। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, ज़रूर मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी मेरी रेसिपी। देखिए बहुत अच्छी से ये मिक्स हो गया, बहुत अच्छे फ्लेवर के साथ, बहुत अच्छे कलर्स के साथ। सब चीज़ों का अपना अपना अलग से कलर है। चम्मच आप घुमाते जाएं और 2 से 3 मिनट तक इसको ज़रूर पकाएं, ताकि अंदर इसके अंदर थोड़ा बहुत कोई पानी हो वो ख़त्म हो जाए और हमने जो सॉस वगैरह डाला था वो इसके अंदर चला जाए। चलिए देखें ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। 2 से 3 मिनट तक हम इस पर ढक्कन रखते हैं और फिर आपको डिश आउट करके बताते हैं। तो हाज़िर है हमारी मज़ेदार सी टिक्का मैकरोनी। आपने देखा हमने इसको कितना इजी तरीके से बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं इजीली अवेलेबल हैं, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। मैंने ये एल्बो साइज़ बनाए हैं, आप बताइएगा कि आप जो है किस तरह का मैकरोनी पसंद करते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ, बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।